नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Mi 11X वर्सेस Xiaomi Mi 11X Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.44 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3.01 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो वेट दोनों फोन का सेम ही 196 ग्राम्स है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 देखने को मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.67 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 देखने को मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दोनों फोन में सेम ही 85.88% है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 395 पिक्सल प्रति इंच देखने को मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Mi 11X में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Mi 11X Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Mi 11X में 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Mi 11X Pro की बात करें तो उसमें 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Mi 11X में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Mi 11X Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Mi 11X में Adreno 650 जबकि Mi 11X Pro में Adreno 660 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Mi 11X में Qualcomm Snapdragon 870 और Mi 11X Pro में Qualcomm Snapdragon 888 मिलता है। बात करें RAM की तो Mi 11X में 6GB जबकि Mi 11X Pro में 8GB मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 4520 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Mi 11X की 29,890 रुपीस जबकि Mi 11X Pro की 39,499 रुपीस प्राइस देखने को मिलती है, जो कि Mi 11X से ज्यादा है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Xiaomi Mi 11X में 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Mi 11X Pro की तो उसमें 4 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Mi 11X Pro आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। इंटरनल मेमोरी में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme X7 Pro है।
जो कि 26,999 रुपए में मिलता है। दूसरा वीवो X7 है जो कि 31,990 रुपए में मिलता है। तीसरा शाओमी पोको X3 प्रो है जो कि 18,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो V21 5G है जो कि 29,990 रुपए में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।